सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मा गण एवं भाईगण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब महाशिवरात्रि के पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हर एक आध्यात्मिक पर्व अपने महत्व के साथ आता है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि जीवन में हमारी मंजिल और हमारा महत्व क्या है। अगर आप संसार को देखते हैं और इस संसार में कितने मानव है जो अपने कर्मकांड को निभा रहे हैं, तो एक व्यक्ति ही अपने जीवन में एक पल में अनेकों प्रभावों से गुजर सकता है। जब आप लोगों को पता होगा कि धूलाबाड़ी की डेट फिक्स हो गई है, सारे काठमांडू के प्रेमियों की इच्छा थी कि भाई कहीं ये ना हो कि सिलीगुड़ी से ही आना जाना हो जाए, लेकिन जब आप लोगों को पता चला कि नहीं, शिवरात्रि का कार्यक्रम यहां मनाया जाएगा, तो स्वाभाविक है मन को बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। फिर जैसे जैसे शिवरात्रि की तारीख और समीप आती रही, हम अनेकों पलों में अनेकों प्रभावों से गुजर रहे थे। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा से गुरु महाराज जी का इंतजार कर रहा है, दर्शनों का इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे आश्रमों में भी काम शुरू हो जाता है, साफ सफाई का, चीजें करने का, एक हलचल सी हो जाती है। लेकिन अब आप जानते हैं कि कार्यक्रम भी आ गया, कार्यक्रम भी हो रहा है, गुरु महाराज जी का आगमन होने वाला है। लेकिन जिस पल प्रत्यक्ष रूप में आप गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, वो अनुभूति सारी अनुभूतियों से हट करके हो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो प्रभावों का संसार है, हमें एक प्रभाव से दूसरी ओर ले जा रहा है, एक प्रभाव से दूसरी ओर ले जा रहा है। कभी संसार के सुखों को पाते पाते हम बड़े खुश हो जाते हैं, कभी संसार के दुखों को पाते हुए हम बड़े तनावित हो जाते हैं। लेकिन इन प्रभावों का मकसद क्या है? केवल एक प्रभाव से दूसरी ओर जाना या प्रभावों से अपने जीवन को बदलने की शिक्षा प्राप्त करना? देखिए, जब महान पुरुषों ने मानव को यह समझाने का प्रयास किया, तो उन्होंने मानव को कोई कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने प्रत्येक मानव को यह समझाया कि मानव, तुम अपने आप को नहीं जानते। अब नहीं जानने का तात्पर्य क्या है? अब यह प्रोग्राम हो रहा है, जगह जगह से लोग आए हैं। कभी होता है कि हम अपने किसी सखा को, मित्र को या किसी सगे संबंधी को बहुत समय से नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है इतना व्यस्त हो गया है कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है। दुनिया के लिए समय है लेकिन अपने लिए समय नहीं है, इसलिए हर एक आदमी टाइम बाउंड है। आप प्रोग्राम में आते हैं, एक प्रेमी भाई से मिल रहे हैं जिसको बहुत समय से आप मिले नहीं, आप गेट में एंटर करते हैं, आप दूर दूर से अपना हाथ हिला रहे हैं ताकि वो आपको भी देखे। भाई, जो प्रसन्नता आपको महसूस हो रही है उसे देखने में आपको ये रोकता है कि भाई मुझे भी देख करके वो व्यक्ति प्रसन्न होगा। अब ये एक महत्वाकांक्षा आपने बना ली, एक एक्सपेक्टेशन आपने बना ली। अब मान लो पर भर के लिए कि जब आपकी नज़र हटी उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने आपको देखा और उसने जोर जोर से हाथ हिलाया, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या देखा कि भाई ये प्रेमी भाई तो मुझे देख ही नहीं रहा, तो उसने भी अपना मुंह मोड़ लिया। अब आपकी नजर दोबारा उस व्यक्ति पे गई तो आप तो कह रहे हैं मैं कब से हाथ हिलाए जा रहा हूं और ये कैसा व्यक्ति है, कैसा दोस्त है मेरा, तो मेरी ओर देख रहा ही नहीं है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम महत्वाकांक्षाओं से जीवन को जीते हैं। आप कोई कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा है उस कर्म के पीछे। आप नौकरी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस नौकरी से आपको क्या मिल रहा है उसकी इच्छा है। एक बच्चा मन लगा करके पढ़ रहा है तो उसके पीछे भी एग्जाम में फर्स्ट आने की इच्छा है या पढ़ाई में अच्छा कर दिखाने की इच्छा है।
तो अगर हम कोई भी कर्म कांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हिडन, एक गुप्त रूप से एक इच्छा, एक महत्वाकांक्षा हमारे उस कर्म से जुड़ी हुई है। अब जीवन का दुख क्या है कि जब हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती। उस प्रेमी भाई ने आपको देखा भी, उसने हाथ भी हिलाया, लेकिन उसका ये जेस्चर आपकी नजरों से परे हो गया, नजरअंदाज हो गया, ये नहीं कि जेस्चर नहीं हुआ। तो महान पुरुष हमें ये समझाना चाहते हैं, संसार में जो हम देख रहे हैं वही केवल वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि अगर मेरी नजर एक तरफ है तो दूसरी जगह क्या हो रहा है वो तो मैं देख ही नहीं पा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्मकांड नहीं हो रहा है या उसका महत्व नहीं है। तो महान पुरुष समझाते हैं कि आदमी केवल अपने अनुभवों से निर्धारित है, जो मैंने अनुभव किया उसी दायरे में मेरा रिएक्शन होगा, मेरी महत्वाकांक्षाएं होगी। लेकिन महान पुरुष ये समझाते हैं कि ये संसार के अंदर ऐसी भी चीजें हैं जो अभी हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा परसेप्शन, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चैतन्य स्वरूप अभी इतना विकसित नहीं हुआ है। और जिस संसार को हम देख नहीं सकते, उस संसार को हम महत्व नहीं देते, हम जानते नहीं उसके बारे में। ऐसे ही आप देख लो आज संसार में आदमी क्या कर रहा है। हर एक आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहा है। लेकिन आप मुझे कोई ऐसी एक महत्वाकांक्षा बता दो आपके अपने जीवन में जो बहुत नई है। आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पुरानी हैं। हर एक आदमी हंसना चाहता है, हर एक आदमी खुश होना चाहता है, हर एक आदमी प्रेम चाहता है, हर एक व्यक्ति ऐश्वर्य चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने नाम का प्रभाव संसार में फैले वो चाहता है। लेकिन आप बता लो कि कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से जो हम चाहते हैं वो तो एक ही चीज है। हम केवल अपनी जो है क्या कहते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंस को संसार में बढ़ाना चाहते हैं। ये है संसार का अहंकार। जब तक व्यक्ति की सोच केवल अपने तक सीमित रहेगी, तब तक वो अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि चैतन्य स्वरूप परमात्मा का विषय है, वो इंडिविजुअल ईगो का विषय नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने तक सीमित है, हम अपनी अपारता को नहीं समझ सकते। इसके कारण क्या होता है, संसार में बहुत चीज तो हम देख रहे हैं, बहुत चीज हम कर भी रहे हैं, बहुत चीज हम समझ भी रहे हैं, लेकिन संतुष्टि उन चीजों से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो डिजायर, वो वांट, वो महत्वाकांक्षा किसी ना किसी रूप में दोबारा हमारे मन के अंदर जागृत होगी। इसी के लिए मानव असहाय है। असहाय का ये मतलब नहीं कि आज आपके पास पूर्णता नहीं है। आप आश्रम में आए हैं, पहले तो हमें डर था कल मौसम देख करके कि भाई आज बारिश ना हो जाए, तो मैंने देखा सुबह बहुत से लोग छाता लेकर के आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ काठमांडू में, तो एक बार तो भगवान शंकर हम लोगों को भिगा ही देते हैं। अब भगवान शंकर भी सोचते होंगे कि पूरे साल ये मुझे भिगाते रहते हैं, तो एक दिन मुझे भी मौका मिलता है इनको भिगाने का। लेकिन देखिए आज गुरु महाराज जी की असीम कृपा से और देवी देवताओं के सान्निध्य से कितना अच्छा मौसम हो गया। बल्कि जो धूप में बैठे हुए हैं अब अपने आप को, कभी मैं सुबह देख रहा था, आज तो धूप थोड़ी कम हो गई लेकिन सुबह एकदम तेज धूप थी, तो लोग उसी छाता को जिससे बरसात से बचने के लिए आए थे वो अपने धूप से अब उसको अपने आप को बचा रहे थे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि संसार में जब तक हम जीवन के महत्व को और अपने महत्व को नहीं समझे, तब तक हम संसार में असहाय है। असहाय का मतलब क्या, हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये तो नहीं कि खाने खाने से हमारी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। धीरे धीरे हमें भूख दोबारा लगेगी। जब भूख दोबारा लगेगी तो वापस आप अपनी भूख को शांत करने के लिए वही कर्म करोगे कि खाने की खोज करोगे, खाना बनाओगे और खाने को खाओगे। तो इसको तृप्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि एक रेपिटेटिव साइकिल है। फिर से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, आप फिर से उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संघर्ष करोगे, संसार में कुछ कर्म करोगे, उस कर्म से आपको संतुष्टि की अनुभूति होगी, लेकिन वो साइकिल किसी ना किसी रूप में चढ़ता रहेगा। अब महान पुरुष कहते हैं कि अगर आप अपने महत्व को समझोगे तो ये जो रेपिटेटिव साइकिल है कि हम खोज रहे हैं, पा रहे हैं, जानना चाहते हैं, ये साइकिल रुक जाता है और आदमी अपने आप में स्थिर होके अपने महत्व को समझता है। इस चीज को समझना साधना है। साधना है क्योंकि अपने आप से बहुत संघर्ष करना होता है।
जैसे माता पिता हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि बचपन से हमें उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है। माता पिता जान लेते हैं कि कब बच्चा सच बोल रहा है कब झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो जो प्रभाव हमने जाने हैं जीवन के वो उनके आगे ही जाने हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा अपने आप को बड़ा चालाक और चतुर समझता है, वो कहता है कि अरे मैं ऐसा बोल दूंगा तो मम्मी को ऐसा समझा दूंगा, पापा को ऐसा समझा दूंगा, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन माता पिता भाई बच्चे की नादानी समझ करके उसे नजरअंदाज कर देते हैं कि भैया ठीक है अभी तो छोटा है, नादान है, नहीं समझता। लेकिन माता पिता सब जानते हैं बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में भगवान ने सर्वगुण संपन्न ये संसार को बनाया है, और चैतन्य का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आप अपने जीवन को किस रूपरेखा में डालना चाहते हैं, आप अपने कर्मों से और अपने सोच से उस रूपरेखा में अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। आप देखो कितने जीव जंतु हैं, कितने प्राणी हैं, अगर आप ह्यूमन एक स्पीशीज है लेकिन आप और भी प्राणियों का एक संकलन करेंगे तो ऐसे तो कितने प्राणी हैं जिनको हमने आज तक देखा ही नहीं है। वो जल के नीचे होंगे, बड़े गहराई समुद्र के अंदर होंगे, और आज पनडुब्बियों के द्वारा, कैमरों के द्वारा जब रिसर्च की वेसल्स वहां जाती है और वो पहली बार वहां की फोटोग्राफी कर रही है, तब साइंटिस्ट लोगों को पता आ रहा है कि भाई किलोमीटर नीचे पानी के भी, समुद्र के नीचे भी जीवन है। क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि जहां प्रकाश रहेगा, जहां सूर्य रहेगा, जीवन वहीं रहेगा, लेकिन इतने किलोमीटर जब आप पानी के नीचे जाएंगे तो सूर्य की किरण भी वहां नहीं पहुंचती, एकदम अंधकार है, मतलब प्रकाश है ही नहीं किसी रूप का, लाइट का कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उस अंधकार में भी जीवन है। और जीवन उस अंधकार को ही सर्वस्व मान करके, मतलब जीवन वहां चल रहा है। तो ऐसे ऐसे प्राणी है जिनके शरीर से लाइट जलती है, मतलब वो रोशनी पैदा कर रहे हैं उस अंधकार में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप सारे प्राणियों को देखो, कितने प्राणी हैं, किसी हाथी को देख लो, अद्भुत शक्ति है, हाथी अपने सूंड से पेड़ों को गिरा सकता है। हम चार पांच टहनियों को भी एक साथ रख ले और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे तो बहुत कम लोग होंगे जो बहुत जिम विम जाते होंगे वो उसे तोड़ सकेंगे, वरना अक्सर तो आदमी कहेगा भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, आप सौर ले आओ या लुक, अगर तोड़ना ही है तो हजारों माध्यम है, लेकिन हाथ से थोड़ी जरूरी है तोड़ सकते लकड़ी। तो हमारे अंदर हाथी जैसा बल नहीं है, घोड़ा है कितनी तेज भाग सकता है, कितनी फुर्ती से भाग सकता है, आदमी थोड़ी देर भागेगा फिर थक जाएगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर वाले होते हैं वो कुछ 10 किलोमीटर भाग लेंगे फिर उनको थकान लग जाती है, रुक जाते हैं। कोई 50 किलोमीटर तक भाग जाता है फिर 3-4 दिन तक उसको आराम करना होता है क्योंकि शरीर एकदम वीक हो जाता है। तो कहने का घोड़े जैसी हमारे पास फुर्ती नहीं है, लेकिन शास्त्रों में मानव को सबसे अद्भुत प्राणी क्यों कहा गया? हम हाथी जैसे पेड़ तो नहीं तोड़ सकते, घोड़े जैसे हम तेज तो भाग नहीं सकते, शेर की तरह हमारे पास ताकत नहीं है, मतलब अगर आप देख लो कितने प्राणी हैं जिनके अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं। एक चमगादड़ है, देख नहीं सकता लेकिन अपनी ध्वनि से वो देख सकता है, मतलब स्वर से देख सकता है, आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन आप मानव को देखो ना, मानव के अंदर क्या ऐसी अद्भुत चीज है कि मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया, या जो चैतन्य स्वरूप का जो एक ग्राफ है उसमें मानव को सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई। जरा मंथन करो भाई, ऐसा क्यों? मैं तो भगवान चाहते तो हाथी को भी सर्वश्रेष्ठ उपाधि दे सकते थे, शेर को जो जंगल का राजा है, सबसे शक्तिशाली जानवर है जिससे और जानवर डरते हैं, आदमी भी डर जाता है शेर को देख करके, तो भाई शेर को सबसे बड़ी उपाधि मिलनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे सारे प्राणी चैतन्य स्वरूप है, मतलब चैतन्य के एक हिस्से हैं, उनके सबके अंदर प्राण शक्ति है, आपके अंदर प्राण शक्ति, एक चींटी के अंदर प्राण शक्ति है, हम में एक प्राण शक्ति है, एक घोड़े एक हाथी के अंदर भी प्राण शक्ति है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन केवल मानव ही अपने चैतन्य स्वरूप, अपने कॉन्शियसनेस का उपयोग कर सकता है। कर्म करने से पहले हम सोच सकते हैं कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, और ये शक्ति अपने आप में बहुत अद्भुत शक्ति है क्योंकि इसी शक्ति के आधार पर धर्म की स्थापना होती है। अगर मान लो आदमी के अंदर ये चैतन्य सोच ही नहीं थी कि ये काम करने से पहले इसका परिणाम क्या होगा, आप सोचो संसार में कितने गलत काम केवल इस सोच को सोचने से रुक गए होंगे। एक आदमी का मैं लड़ने जा रहा हूं तो लोगों ने मंथन किया कि भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, इसका परिणाम क्या होगा।
किसी ने मंथन किया, उसने कहा कि जी लोग विधवा हो जाएंगे, महिलाएं विधवाएं हो जाएंगी, लोग मारे जाएंगे, लड़ाई का कोई मतलब सीधा औचित्य नहीं, कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। तो राजा कहता है ठीक है, हम समझौता करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ गई। अगर आप देखो, अगर आदमी अपने नासमझी में अगर ये सोचता ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो आज तक तो कितने हथियार हमने ऐसे बना रखे हैं जो पल भर में हमारे संसार को नष्ट कर सकते हैं। और वो ये नहीं कि हजारों व्यक्तियों के पास वो बटन है, एक आदमी के पास बटन है, एक आदमी का दिमाग खराब होना है, वो उसको बटन दबाना है, वो मिसाइल चल जाएगी, उसके बाद फिर हम कहते रहे कि भाई रोको रोको भागो, लेकिन वो भागने का भी समय फिर आदमी के पास नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं जो सोचने और समझने की शक्ति है कि हम अपने कर्मों द्वारा क्या इंपैक्ट कर सकते हैं, ये हाइटन स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस केवल मानव के अंदर है। कुत्ते को भूख लगेगी, वो भौंकेगा, कुत्ता देखता है उसका मालिक उसके पास है, उसे कुछ चीज चाहिए तो अपने मालिक को जाकर के प्यार करेगा, पर वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस का तो नहीं, अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को तो नहीं सोच सकता ना कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा ये होगा। कुत्ता अपने कर्मों के अधीन है। केवल मानव अपने सोच और अपने कर्मों से अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई कि मानव अपने चैतन्य स्वरूप का उपयोग करके संसार में धर्म की स्थापना कर सके, अर्थात एक बैलेंस्ड वर्ल्ड को ला सके। अब अक्सर क्या होता है, जब हम धर्म की बात करते हैं तो आजकल लोगों की मानसिकता इतनी छोटी हो गई है कि हर एक व्यक्ति अपनी परिभाषा से धर्म को देखना चाहता है। आज हमने टीका लगा लिया तो हमारा धर्म बदल गया, आज हमने चोटी रख ली तो हमारा धर्म कुछ और हो गया, आज हमने एक ताबीज पहन लिया तो हमारा धर्म कुछ और हो गया, आज किसी ने जनेव पहन लिया तो उसका धर्म कुछ और हो गया। लेकिन धर्म की परिभाषा क्या है आप बताइए। अगर हम मंथन करें कि भाई धर्म की व्याख्या क्या है, हम डेफिनेशन देते हैं हर एक चीज को, एक डिक्शनरी भी होती है, डिक्शनरी में जिस शब्द का अर्थ हम समझते नहीं है तो हम उस शब्द का अर्थ डिक्शनरी से प्राप्त करते हैं कि भाई ये शब्द का अर्थ क्या है, इसका महत्व तो क्या है। अब हम धर्म की बात करते हैं, हम बार बार नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम आज भी ये धार्मिक ही पर्व मनाया जा रहा है, लोग धार्मिक इच्छा से यहाँ आए हैं। लेकिन धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपका बच्चा कल पूछे कि मम्मी धर्म का मतलब क्या है, आप उसे क्या समझाएंगे? आप उसे ये समझाएंगे कि नहीं धर्म का अर्थ एक शब्द है हिंदू हिंदू धर्म है उसकी व्याख्या है। अब हिंदू धर्म क्या है आप बताइए। धर्म क्या केवल एक सोच है कि पांच लोग एक सोच के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं तो वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो गए? भाई हर एक व्यक्ति, एक आदमी आपको बुरा भी, आपका बुरा चाहता है तो वो भी एक सोच है। संसार में नेगेटिविटी किसी के प्रति रखना भी एक सोच है। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी सोच से तो जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति संसार में धार्मिक नहीं है तो धर्म सोच तो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ना किसी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच से आदमी जी रहा। तो धर्म की व्याख्या क्या है, अगर आप इसका मंथन करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है। हम धार्मिक बनना चाहते हैं लेकिन हम डेफिनेशन ही नहीं जानते, तो हम अपने आप को किस रूपांतरण में या किस चेंज में अपने आप को देखना चाहते हैं? सबसे सिंपल डेफिनेशन धर्म की ये है कि जीवन में जो आप नहीं चाहते हैं आपके साथ हो, वो आप किसी और के साथ ना कीजिए। अब इस डेफिनेशन को अगर समझा जाए तो ठीक है, बड़े सरल शब्द हैं। हम सोचते हैं कि भाई धर्म में श्रद्धे जी ने इतना बोल दिया धर्म के बारे में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोई आंसर होगा उसका, पर कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। अगर आप जीवन में मानवता की धारणा को देखो तो हर एक व्यक्ति को मूल तौर से पता है क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत। क्यों? क्योंकि जीवन हमें शिक्षा देता है। अगर मैं आग में उंगली डालूंगा और आग मुझे जला रही है, दर्द का महसूस मुझे एक बार हुआ है, तो जिंदगी में ये थोड़ी है कि हजार बार हाथ जलने के बाद मैंने ये सीखा कि आग जलाने वाली चीज है। वो तो एक ही बार काफी था ना, लाइफ लेसन्स लर्न। और आज भी हम आग को देख लेंगे, आग से दूर रहेंगे, सेक जरूर लेंगे उसकी गर्मी को, लेकिन कोई आदमी अगर ठंड भी हो तो अपना हाथ आग में नहीं डालता।
क्योंकि उसे पता है कि भाई एक बार मैंने हाथ डाला था, मुझे बहुत दर्द हुआ, जलन हुई, बहुत टाइम तक घाव रहा, बहुत दर्द मुझे सहना पड़ा। वो उसका नेचुरल चेक है जीवन में उस चीज को, उस गलती को बार बार दोहराने के लिए। लेकिन कभी क्या होता है, वो नेचुरल चेक ओवर पावर हो जाता है जब हम दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो कब होगा, कब दोबारा जलोगे? जब तीन दोस्त खड़े रहेंगे और एक दोस्त कहेगा तुम आग में हाथ डाल सकते हो और उसको दिखाने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पता तो है हाथ जलना है, लेकिन दिखाना है लोगों को, अपने आप को ज्यादा आगे दिखाना है। तब तो गलतियां हमारी जो संसार में हो रही है वो यही है कि हम जरूरत से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना ज्ञान अक्यूमुलेटेड है। इसको कहते हैं ईगो। जब आदमी ईगो से अपने जीवन को जीता है वो अध्यात्म से बड़ा दूर है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म क्या सिखाता है, हम संसार में जी रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में कोई हमें दुख दे, कोई हमें पीड़ा दे, तो सबसे पहले जीवन में किसी और का दुख बनना छोड़ दो। अब लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो रोज संसार हमें सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है? अब देखिए जीवन में ना एक लड़ाई है जो जीवन भर चलती रहेगी, वो है कि आप कहाँ बैठोगे, कुर्सी की लड़ाई। आप बस में आए होंगे यहाँ तो सबसे पहले लड़ाई वहीं से शुरू हो गई होगी कि भाई जैसे ही एक व्यक्ति उठा बस में निकले, तीन लोग भागते हैं उस बस की सीट पे बैठने के लिए। लेकिन मानवता क्या बताता है, मतलब जो समाज की शिष्टाचार है वो ये दिखाता है कि भाई कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, उसको आप सीट दे दो। लेकिन जो व्यक्ति सीट के ऊपर भागते हैं वो महिला तो हो नहीं सकती, ना वो बुजुर्ग हो सकते हैं, बुजुर्ग को तो टाइम लगेगा भाई पहुंचने के लिए। जो सबसे यंग और फुर्तीला व्यक्ति है, जिसको बैठने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सबसे फुर्ती उसके अंदर है और इतनी तेज भाग करके आ रहा है, तो उसका मतलब अंग संग तो सब ठीक चल रहे हैं उसके। लेकिन वही व्यक्ति जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा, उसी को जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा कुर्सी पे ना बैठने की, बिकॉज ही इज फिजिकली एक्टिव, ही इज फिजिकली फिट, ही इज फिजिकली फाइन। अब वो जो व्यक्ति बैठ जाएगा तब उसको नोटिस करना अगली बार ना, वो ऐसे बैठ जाएगा जैसे वो बस में अकेला व्यक्ति है और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर ऐसे बंद बना लिए कि वो देखना ही नहीं चाहता कि कोई महिला भी इधर हो, क्योंकि उसके मन के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस बोलेगी यार तू तो ठीक ठाक है, वो बेचारी बुजुर्ग महिला को तो बैठने देना। पर अगर देखेगा तब तो कॉन्शियसनेस आएगी अगर आंख बंद करके बैठ जाए कि भाई आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो कॉन्शियसनेस भी अपना काम कैसे करेगी, चैतन्य स्वरूप अपना काम कैसे करेगा। तो ये आदमी की चतुराई है। और ये कुर्सी, फिर लड़ाई कहाँ हो जाती है हमारे, ये देखिए इतना छोटा सा मंच है हमारा भजन का लेकिन उसमें एकदम फिट जगह है, लेकिन कितने लोग तो मुंह सुझा के बैठे होंगे क्योंकि उन्हें भजन के मंच के ऊपर बैठने नहीं दिया होगा, बैठे होंगे एक दो इधर उधर कहीं ना कहीं तो देखो लड़ाई यहाँ पर ही है, हमारा स्टेज भी थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो इस पे भी बैठने की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, होता है आपकी लड़ाइयाँ शुरू है, और अभी सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है भंडारे की लड़ाई अभी तो वो शुरू ही नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं देख लो ये जीवन क्या है, ये जीवन हमारी परीक्षाएं ले रहा है, हमें टेस्ट कर रहा है कि भाई नाम कहने के लिए तो थ्योरेटिकली आप धर्म की व्याख्या बताते हो, टीका लगाते हो, बड़े चंदन लगाते हो अपने आप को धर्म का, हम एक क्या मान रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट मांग रहे हैं चलता फिरता कि हमसे बड़ा धर्म का कोई, धर्म को बताने वाला हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां प्रैक्टिकलिटी आती है कि धर्म को हमने कितना समझा, वहां हमारा नंबर जीरो है। क्योंकि जहां धर्म आना चाहिए और जीवन में हम मिल करके संघर्ष करें किसी और के दुख दर्द को मिटाने के लिए, वहां तो मैंने केवल अपना दुख दर्द देखा, और जो निवारण मैं भाग करके किया कि मैं भाग करके जा रहा हूं, तो मेरे भागने से ये थोड़ी होता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने क्रिकेट मैच जीत लिया, या नेपाल ने यूएन में जाकर के बहुत बड़ा कोई प्राइज जीत लिया। नहीं, अगर मैंने कोई कर्म भी किया हो तो केवल अपनी पूर्ति के लिए किया ना, कि मैं भागा, मैं कुर्सी पर बैठ गया ताकि मेरा दुख दर्द कम हो जाए। तो यही जीवन दिखाएगा। अब क्या है, जीवन को ऐसे ही जियोगे केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने मतलब के लिए, केवल अपने दुख के लिए, तो भाई धर्म को तो हमने समझा ही नहीं। धर्म की व्याख्या हमने जरूर समझ ली, थ्योरी हमने जरूर समझ ली, लेकिन धर्म से, धर्म को जानने से, समर्पण से जो प्रभाव जीवन में आना चाहिए, जो शांति जीवन में आनी चाहिए, जो बैलेंस जीवन में आना चाहिए, वो बैलेंस कभी जीवन में नहीं आएगा। तो जीवन में जो
ज्ञान हमें समझाता है, वो समझाता है कि जीवन को एक संतुलित तरीके से, एक बैलेंस्ड वे से आप जीवन को जियो। जीवन में हम किसी चीज को समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने किसी चीज को जन्म नहीं दिया है। भगवान ने अगर संसार को बनाया, संसार में अंधकार को बनाया और प्रकाश को बनाया, तो भगवान के पीछे भी तो कोई सोच होगी कि भाई अंधकार अपने आप में जरूरी है, प्रकाश अपने आप में जरूरी है। लेकिन मानवता अपनी ना समझी में क्या कहता है, नहीं नहीं प्रकाश ही सबसे अच्छा है, प्रकाश का हमने गुणगान कर दिया और अंधकार को हमने पटक दिया कहीं कोने में कि अंधकार बहुत खराब है। भाई अंधकार कैसे खराब हो सकता है, अगर भगवान ने उसे बनाया है तो सोच समझ करके बनाया है। ठीक है, अंधकार से हमें डर लग सकता है, अंधकार से हमें हमारे अंदर गलतियां हो सकती है, गलत प्रभाव जरूर जागृत हो सकते हैं। हम संभल संभल करके चलते हैं, हिचक करके चलते हैं अंधकार में क्योंकि भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मन घबरा जाता है। लेकिन जरूरी ये थोड़ी है कि इसी की वजह से क्योंकि हम घबरा रहे हैं किसी चीज से वो चीज गलत हो गई। संसार में हरेक गुण को संसार में भगवान ने बड़े सोच समझ करके रखा है। अब उसी सोच समझ से हमें सही चीज का सही उपयोग करना है। जीवन में डेस्टिनी एक चीज होती है, भाग्य एक चीज होती है। तो इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा मंथन हुआ, बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोगों का ये मंथन था कि भाई एक डिबेट आया कि भाई भाग्य क्या है। अगर मुझे राजा बनना है, मेरा भाग्य है, तो एक आदमी ने कहा मैं कुछ भी ना करूं तभी भी मुझे राजा बनना चाहिए क्योंकि भाग्य है। बात भी सही है, होना चाहिए क्योंकि वही तो डेस्टिनी है कि जो चीज आपकी जीवन में लिखी हुई है आपको मिलने आए, वो चाहे आप कुछ करें ना करें, चाहे आप सोते रहिए, वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई चीज नहीं मिलनी है आप उसके लिए कितना भी कर्म कर लीजिए वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अब भाग्य क्या है, डेस्टिनी क्या है, अगर इस डेफिनेशन में आप कर लो तो इस डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो भैया अगर आपको भगवान को पाना है तो आप पाओगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारे बुरे काम करने शुरू कर दें, क्योंकि जब पाना है ही तो पाना ही है। अगर बुरे काम करेंगे तो हम भगवान से तो बड़े दूर चले जाएंगे ना, एक बुरे इंसान बन जाएंगे। तो जब ये डिबेट हुआ तो डिबेट में एक बड़े दूर दार्शनिक व्यक्ति थे, उसने कहा कि भाई ठीक है आप तो एक तरफा डेफिनेशन दे रहे हो, जिस आदमी को काम नहीं करना वो कहेगा यार काम मत करो तभी भी मिल जाएगा जो मिलना है, क्योंकि वो एक बहाना उसने ढूंढ लिया। जिस आदमी को काम करना है वो कहेगा यार काम करो तभी भाग्य की पूर्ति होगी, तो काम करते रहो। तो हर एक आदमी ने अपने प्रभाव से डेफिनेशन को ढूंढ लिया। लेकिन भाग्य क्या है, भाग्य की डेफिनेशन क्या है, कि सही समय पे सही निर्णय अपने मन में लेना, यही डेस्टिनी है। आज आप लोग यहां आए हैं, बहुत एक एक, एक महत्वाकांक्षा है मन के अंदर सत्य को जानने की। सत्य क्या है, हमारा जीवन का महत्व क्या है, इस श्वासों का महत्व क्या है, और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप अपने जीवन से पूछोगे। लेकिन उसका आंसर क्या है, बात क्या है, भाई देखो प्रभु है संसार में, पशुपतिनाथ तो हजारों साल से यहाँ बैठे हुए हैं, हजारों साल में कितने जन्म हुए होंगे नेपाल में, कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग पशुपति के नाथ के दर्शन किए होंगे। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि हर एक व्यक्ति पशुपति नाथ के महत्व को नहीं समझ सकता, इतने समीप होने के बावजूद भी अपना जीवन उसके पास भी व्यतीत करने के बाद, क्योंकि सही समय पे सही कर्म नहीं किया। क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटा सा गांव है जो करीब 10-12 किलोमीटर पहले आता है, उसको कहते हैं पांडुकेश्वर। तो वर्णन यह आता है कि जब पांडवों को निकाला गया और पांडवों ने संघर्ष लिया कि भाई हमने तो बहुत पाप किए, हमने अपने गुरुओं का वध किया, हमने अपने भाइयों का वध किया, तो इसका पश्चाताप हमें करना है। तो किसी ने पांडवों से कहा कि भाई आप पहाड़ों में जाओ और शंकर जी को ढूंढो, अगर शंकर भगवान आपको दर्शन दे देंगे तो क्या होगा, ये होगा कि भाई आपके पापों का प्रायश्चित हो गया। तब शंकर भगवान को ढूंढते 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 पांडुकेश्वर पहाड़ों की तरफ गए। तो मतलब वो जगह का नाम पांडुकेश्वर इसलिए कहा जाता है कि वो हो सकता है पांडव वहां रुके होंगे, उन्होंने वहां विश्राम किया होगा। तो जितनी भी श्री बद्रीनाथ जी की विधि के लिए पूजा की सामग्री चाहिए होती है, हर दिन उसमें कुछ बेलपत्र चढ़ते हैं, कुछ और चीजें चलती है, चंदन चढ़ता है,
तो सब पांडुकेश्वर के ही गांव वालों के ऊपर ये एक ड्यूटी है कि उन लोगों को ही, चाहे जब हमारे यहाँ आपदा भी आई, रोड टूट गए, तभी भी पांडुकेश्वर लोग पैदल चल चल करके के वो चीज़ों को वहाँ पहुँचाते थे। तो उनका उनका एक ये वो है। जब हम पांडुकेश्वर पहुँचे तो मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा था, महाराज जी का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था तो कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे, तो बातचीत होने लग गई, सब कोई बताने लगे जी हम यहाँ से हैं, हम ये से। तो मैंने कहा आपने बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए? तो अक्सर पांडुकेश्वर वाले बद्रीनाथ जी के दर्शन ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार 10 किलोमीटर तो है, कभी भी चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आज अपना काम कर लो, आज अपनी खेती कर लो, अरे कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। अब भाई कल तो आता है, पर कभी कभी कल के साथ काल भी आ जाता है उसके बाद दूसरा कल नहीं आता। तो कितने लोग हैं इतना समीप होते हुए भी, मतलब आज आप सोचो ना, आप लोग इच्छा रखते होंगे कि भाई हम चार धाम यात्रा करेंगे, नेपाल से कितने लोग हैं बसों में बैठ करके जाते हैं, मतलब पूरा जीवन उस सपने को साकार करने के लिए वो लगा देते हैं, पूंजी इकट्ठा करते हैं कि भाई एक साथ जाएंगे, परिवार जाएगा, ये करेंगे। तो आप तो पूरे जीवन में ये प्लानिंग कर रहे हो कि आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आओ, और वहाँ के लोग हैं जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बद्रीनाथ जी के दर्शन कैसे ना हो एक तरीके से, क्योंकि वो कह रहे हैं अरे कल कर लेंगे, अभी क्या है, अगले साल कर लेंगे, और फिर जीवन ऐसे चले जाते। अब आप बताओ, क्या पांडुकेश्वर के लोगों का भाग्य ही नहीं है कि वो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सके? क्या जो भी व्यक्ति पांडुकेश्वर में पैदा होगा, क्या वो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर ही नहीं सकेगा? नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई अगर आदमी अपने मन को मना ले 10 किलोमीटर दूर नहीं और चल ले, तो भाई वो अपने भाग्य को बदल सकता है, यही तो है। तो सही समय पे सही काम कर लेना, यही भाग्य है। अब हम ना कर सके, या किसी कारण हम अपनी परिस्थितियों कारण, अपनी कमजोरियों कारण, अपने डर कारण, अपने भय कारण, हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो घूम फिर करके आदमी क्या कहता है कि मेरा भाग्य ही नहीं था कि जीवन हमेशा बदल रहा है, जीवन हमेशा मौका दे रहा है, लेकिन मौका किस चीज का दे रहा है कि आप अपने महत्व को समझ सको, आप गुरु महाराज जी के नाम सुमिरन पा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सको। अब यही भाग्य है, आप लोग यहां आए हैं, आपके पास नाम है, आप सुमिरन करेंगे तो सही समय पे सही कर्म करना हुआ, जीवन में भाग्य बदलेगा। और हम सुमिरन ही नहीं करेंगे तो बताओ जीवन की जो ये खींचातानी है ये कैसे समाप्त होगी? जीवन की खींचातानी समाप्त हो सकती है? भाई पहले क्या होता था, एक संदेश को पहुंचने में जो आपको अपसेट करे महीनों लग जाते थे, चिट्ठी लिखी जाती थी ना, चिट्ठी लिखते थे। इंडिया में ये होता था कि भी हम देहरादून में ही स्कूल से अपने घर चिट्ठी लिखते थे, वो मतलब हमारा स्कूल का गेट और देहरादून का जो घर है हमारा वो करीब 200 मीटर दूर नहीं होगा, लेकिन उस चिट्ठी को ही पहुँचते पहुँचते 3 दिन लगते थे, मतलब इतने क्लोज डिस्टेंस में, क्योंकि पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा, एक दिन वहाँ वो सेग्रीगेट होगा, दूसरे दिन उसमें लगेगा कि अच्छा ये तो लोकली चिट्ठी है, लोकली जगह जानी है, तब लोकल पोस्टमैन उसे लेकर के बांटेगा। तो इतना छोटा डिस्टेंस इतना अच्छा। अब नेपाल से आदमी चिट्ठी लिखता था इंडिया तो उसको कब पहुँचती थी, कितनी बार तो चिट्ठी पहुँचती नहीं थी, तो हमें खबर ही नहीं पता चला कि भाई नेपाल में क्या हो गया। और कितनी बार तो हमने चिट्ठी लिखी और हमने चिट्ठी भेजी, वो कुछ और ही हो गया। हमने पूछा कि अरे ससुर जी ठीक है, आशा करते हैं बड़ी अच्छी हाल सेहत होगी, अब तक वो चिट्ठी पहुंची ससुर जी रहे ही नहीं ये भी होता था और क्या, आप बता लो। तो पहले कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आने में उसमें बफर होता था, चाहे 3 दिन का बफर हो, चाहे 1 महीने का बफर हो, या अगर चिट्ठी खो जाए तो आपको वो रॉन्ग न्यूज तो पहुंच ही नहीं रही है, आप अपना खुशहाल अपना जीवन जी सकते हैं। और आज कितना समय लगता है, कितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक में कितना व्हाट्सएप ग्रुप में, कितने ग्रुप में चैटिंग चल रही है साइमल्टेनियसली, 1 सेकंड भी नहीं लगता 10 परेशानियों को आपके जीवन में उलट पुलट आपके जीवन को करने। एक फोटो आपने पोस्ट की, 1 साल निकल जाता है देखते देखते कितनी लाइक मिली मुझे और फिर जो महत्वाकांक्षा थी, अरे मैं तो इतना अच्छा लग रहा था फोटो में, 1000 लाइक मिलनी थी और वहां क्या है कि 10 लाइक है फिर गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा, सारे दोस्तों के ऊपर। फोन करोगे, तुम लाइक नहीं कर सकते थे तुम ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते। आजकल जीवन ये हो रहा है, आप बता रहे हो। लोग पहले कहते थे कि भाई गरीबी जीवन का एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसको वर्ल्ड को इंकाउंटर करना है,
हम कहते थे हंगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में कितने लोग हैं अफ्रीका में जगह जगह जो लोग स्टार्व करते हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया उन सॉल्यूशंस को निकाल रही है। एक समय आएगा कि संसार में हम इतने विकसित हो जाएंगे संसार में कोई भूखा नहीं सोएगा, ऐसे एक समय आएगा। समाज में एक ऐसा समय भी आएगा जब कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, सबको कोई ना कोई फैसिलिटी रहने की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जो आने वाली 22nd सेंचुरी है, क्योंकि 21st सेंचुरी में तो हमारी 22nd सेंचुरी की प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे यूथ वाले सोचेंगे कि भाई फोन में डेटा कहाँ से आएगा। आप देखो आजकल सारी प्रॉब्लम, हमारा जीवन आपके फोन से इतना बिछ गया है, अब फोन में डेटा ही नहीं है तो फेसबुक काम नहीं करेगा, व्हाट्सएप काम नहीं करेगा, आपके जो मैसेजेस है इधर से उधर नहीं जाएंगे। अब आप देख लो एक दिन अपना फोन ऑफ करके देखो, आप रह पाओगे बिना फोन के? आदमी को लगता है मेरा जीवन समाप्त हो गया, जैसे मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा तो पता नहीं क्या हो गया। और देखो ये धीरे धीरे हो रहा है। आप घर में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जगह आके देख लीजिए, चार लोग बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब फोन पे लगे हुए हैं। यही जीवन है। तो जीवन जिस तरीके से बदल रहा है, जितनी तेजी से बदल रहा है, संसार का जो ये नेगेटिव प्रभाव है उतनी तेजी से हमारे जीवन में भी तो आ रहा है। अब इस प्रभाव को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आदमी एक नदी होती है, नदी में पानी बढ़ने लगता है तो हम बांध बना देते हैं, चेक बना देते हैं उसका। जब तक चेक स्टेबल है तब तक नदी अपने संयम में बहेगी, संयम में बहेगी तो हम नदी को क्या कहते हैं? जननी। जननी कहते हैं ना, जीवन देने वाली। नदी की पूजा होती है, आरती होती है, हम फूल चढ़ाते हैं नदी के पानी को, बड़े अच्छी तरह से अपने घरों में रखते हैं, गंगा जल को अपने घरों में रखते हैं। कोई अपवित्र काम होता है तो सबसे पहले गंगा जल छिड़कते हैं आदमी के ऊपर कि भाई ये ठीक हो जाए, इतनी आस्था है। अब वही नदी अपने बांध तोड़ दे, चेक ना रहे, तो वही नदी क्या हो जाती है? एक विध्वंसकारी शक्ति हो जाती है, बाढ़ बन जाती है। वही जन्म देने वाली शक्ति क्या हो जाती है? एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में ले लेती है। और फिर हम उसी नदी का उस भयंकर रूप देख करके हम घबरा जाते हैं, हम घरों में मातम बनाते हैं, अरे हमारा घर बह गया, अरे हमारे सब खेती खत्म हो गई, अरे हमारा जीवन समाप्त हो गया। अब आप बताओ जो ये संसार का नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है, इसका भी तो कोई परिणाम होगा, कोई इन्फ्लुएंस हमारे अंदर हो रहा है सबकॉन्शियस लेवल में। अब इस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कि क्या हम नेगेटिविटी में ना घुस जाए या हम नेगेटिव प्रभावों के अंदर ना आ जाए, हमने क्या चेक रखे हैं? हमारा कोई चेक ही नहीं है। समाज में अगर मन के ऊपर संयम नहीं है तो क्या है, मन इधर भगाएगा उधर भगाएगा, एक दुख देगा दूसरा दुख देगा, और जीवन इसी सुख दुख की चक्की में पिसता चले जाता है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं जागो। जागने का मतलब क्या है कि अपने चैतन्य स्वरूप की शक्ति को पहचानो, कि अगर तुम अपने आप को जानोगे, अपने श्वासों की शक्ति को जानोगे, तो ये जो साइकिल है, ये जो डिस्ट्रप्टिव साइकिल है, ये जो हैबिट हमने बना ली है नेगेटिव में जाने की, ये हैबिट चेंज होगी। और यही काम हमें करना है। इसलिए सबसे पहले रोज सुबेरे उठ करके भजन सुमिरन करो। जब तक यही आदत नहीं डालोगे तब तक आगे तो बहुत लंबा रास्ता है भाई। अब जैसे मैंने भंडारे की बात की होगी तो किसी ने किसी के उत्तम ठीक है सब तो कहने का पेट में गुड़गुड़ हुई होगी। अब कहने का अभिप्राय है कि भाई इच्छा करने से कि भाई भंडारा हो जाए अच्छा, तो होगा नहीं। अब उस भंडारे को बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है, मतलब 3-4 दिन पहले कोई मार्केट गया होगा, सामग्री लाया होगा, आपके आने से पहले यहाँ कितने लोग कल रात से यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे, कितनी चीज़ें उसमें जुड़ती है, तब जा करके वो एक प्रभाव संपन्न होता है। मतलब एक चीज़ नहीं है, ऐसे ही अपने आप को जानने के लिए बहुत चीज़ों की प्लानिंग और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि भाई हमने कह लिया कि भाई आज हम अपने आप को जान लेंगे और हमने डॉक्यूमेंट्री देख ली और अपने आप को जान लिया, नहीं। लेकिन प्रिपरेशन और प्लानिंग कहाँ से शुरू होगी? भजन सुमिरन से। जब तक आप ये जानते ही नहीं कि आपके अंदर कमी क्या है, आप अपने आप को बदलोगे कैसे? और जब हम भजन सुमिरन करते हैं तो जो हमारे अंदर कमी है सबसे पहले वो उभरता है। अगर हमारे अंदर चंचलता है तो क्या है, मन इधर उधर भागेगा भजन में भी, फिर हम जानते हैं कि भाई कितनी चंचलता है, फिर अब उस फोकस को हम डेवलप करना है, फिर फोकस को डेवलप करेंगे। अब उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए फिर दरबार हमें और माध्यमों से जोड़ता है। सेवा का माध्यम है, प्रचार का माध्यम है, आप स्वयं एक प्रचारक है, एक लिविंग एग्जाम्पल है इसके। तो जो आप जीवन में जा करके करते हैं उससे कोई और प्रेरित होता है।
भाई आज इतना अपार जनसमूह यहाँ खड़ा है, तो भाई हमें भी याद है कि पहले ये आश्रम भी नहीं होता था, यहीं बगल में एक छोटा सा आश्रम होता था, उसमें भी छोटे छोटे कमरे थे, हॉल भी नहीं था उसमें, वो तो एक बिल्डिंग थी छोटी सी, और उस समय कितने कम प्रेमी लोग थे। लेकिन आज अगर इतना बड़ा अपार जनसमूह यहाँ बैठा हुआ है तो ये कैसे हुआ? क्योंकि किसी प्रेमी को देख करके हमने प्रेरणा ली, किसी साधु संत को देख करके हमने प्रेरणा ली, और जब उनसे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य हमें मिला, तब धीरे धीरे हमने जाना कि भाई ऐसा भी जीवन हो सकता है। आज तक हम जिस जीवन को जी रहे थे, जिसको हम सत्य समझ रहे थे, वो जरूर सत्य तो था लेकिन पूर्णता नहीं थी। हम और अपने आप को बदल सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे लोग जुड़े। और आज क्या है कि देखो, ये इतना बड़ा प्रांगण होने के बाद भी हमें अलग अलग प्रोग्राम करने होते हैं। अभी धोलाबाड़ी प्रोग्राम होगा 7-8 तारीख का, वहाँ भी आश्रम का उद्घाटन है, और कितने भव्य आश्रम को वहाँ के प्रेमियों ने तैयार किया बहुत ही कम समय में। क्योंकि मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले ही हम लोगों ने जाकर के उसका भूमि पूजन शिलान्यास किया था। तो इतने कम समय में इतने बड़े आश्रम को तैयार कर लेना, और इतने रिमोट एरिया का, मतलब ना इतना पिछड़ा हुआ एरिया का, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मतलब प्रशंसा की बात है और गर्व की बात है हमारी संस्था के लिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सबसे पहले भजन सुमिरन करो, उससे क्या होगी, एक पॉजिटिव सोच, एक रचनात्मक सोच जीवन में डेवलप होती है। जब सोच सही है तब धीरे धीरे मन भी सही जगहों में जाकर के लगे, और फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखो, किसी पुरानी कहावत है कि रोम एक बहुत पुराने जगत का एक बहुत प्रख्यात शहर था, आज भी बहुत प्रख्यात है, लेकिन रोमन हिस्ट्री बहुत बहुत पुरानी और बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है उसकी। तो जब रोम को देखते थे तो लोग कहते थे कि भाई शहर हो तो ऐसा हो, मतलब इतना डेवलप्ड वो था इन द ओल्डन डेज। तो जब रोम को भी लोग देखते थे तो लोग भी कहते थे कि रोम वॉजन्ट बिल्ट इन अ डे, कि ये रोम जो इतना भव्य है, ये शहर आप देख रहे हो, ये शहर एक दिन में नहीं बन नहीं गया। तो ये कहावत इसलिए बनी कि लोगों को समझाने के लिए कि जो भी आप पाना चाहते हो धीरे धीरे आप उस चीज़ को पा सकते हो, ये नहीं कि हर एक महत्वाकांक्षा आपकी एक ही समय में पूरी हो जाए। तो यही है कि धीरे धीरे हमें ये समझना है कि हमें अपने जीवन में क्या रूपांतरण लाने हैं, क्या चेंजेस लाने हैं। अब भाई देखो, कुछ चेंजेस तो हम कुछ सोच समझ करके ला सकते हैं, लेकिन वो मैंने कहा कि जीवन का भी एक भाग्य है, हमने इतनी बड़ी बड़ी मूछें रख ली। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि क्यों रखी, कभी हमारी दाढ़ी थी, कभी हम मूछें नहीं रखते थे। तो हमने सोचा कि 4-6 साल से तो आराध्या जी हमें डरा रही हैं आंखें बड़ी बड़ी करके, तो मैंने कहा मैं भी बड़ी बड़ी मूछ रख लेता हूँ ना। अब बड़ी बड़ी मूछ आदमी ऐसे करता है तो इंटिमिडेट नहीं हो जाता आदमी? आप देखो, आप किसी को भी देखोगे बड़ी बड़ी मूछें हैं तो हमें थोड़ा लगता है कि भाई क्या पर्सनैलिटी होगी इस आदमी की ना, मतलब बड़ा आदमी सीरियस लगता है। तो मैंने कहा कि भाई आप डराने का तो एक ही बात दिया, भाई 6 साल से हमारी बातों से तो वो डरते नहीं है, तो जरा मूछें ही बड़ी कर ले। अब हमने तो ये सोच के सोचा कि अब मूछें रखेंगे अब आराध्या जी डरेंगे हमसे, और वो कुछ उल्टा हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर। अब हमारी मूछें बड़ी हुई, उनकी आंखें और बड़ी होने लगी। तो आदमी कुछ कर ले, हम परिणाम कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ और ही हो जाता है। इसलिए जितने शादीशुदा लोग हैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि शादी से पहले आपकी पत्नी के अंदर 10 देवियों का वास होता है, 10 देवियों का, लेकिन शादी के बाद कौन सी देवी उभरेगी वो आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित करता है। तो ये सारे हस्बैंडों के मेरे लिए एडवाइस है कि बड़ा सोच समझ करके भाई अपनी वाइफ से बात करना और कुछ मांगना। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो जीवन हमें सिखाएगा समझाएगा, लेकिन हमें भी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, कि हम स्वयं समस्या ना बन जाए अपने जीवन की, इसके लिए हमें भी कर्म करना है। और कर्म करना का मतलब क्या, अपने आप को समझो भाई, आपके अंदर क्या प्रभाव है जो आपको जीवन में जागृत कर रहे हैं, क्या प्रभाव है जो जीवन में आपको रोज सवेरे उठा रहे हैं, क्या श्वासों की शक्ति है जो एक श्वास लेने से आप एक कॉन्शियस बीइंग है, और एक कॉन्शियस बीइंग की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एंडलेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर एक वो श्वास आपके अंदर नहीं जाएगी तो जो भी आपका पोटेंशियल है वो तो ज़ीरो है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप मे बी डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे सर्जन होंगे, बहुत अच्छे लॉयर होंगे, दुनिया के सबसे अच्छे कवि होंगे,
लेकिन वो जो भी धारणाएं आपने संसार में बनाई है, जो इमेज बनाई है, वो किसके ऊपर निर्धारित है? अगर वो श्वास नहीं आएगी तो सब चीज समाप्त है। तो कभी हमने सोचा है सांसों का महत्व क्या है? हम सोचते ही नहीं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम ग्रांटेड में ले लेते हैं कि भाई हमें तो जीना ही जीना है, अभी कहीं जाना थोड़ी है। और फिर देखो जीवन कैसे सिखाता है, आप भी तो जीने की बड़ी इच्छा है, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना 40 साल बाद, हम कितने बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं, कोई भी हमें हंसते हुए नहीं मिलता। सब लोग कहते हैं कि अरे कब जाना होगा, हमें मुक्त कर दो, हमें जाने दो, अब नहीं जिया जाता, अब नहीं दर्द सहा जाता। तो भाई जब मौका था मुक्ति पाने का तब तो हम भोग में जीते रहे, तब तो डायबिटीज थी भी तो डॉक्टर को कहते रहे डॉक्टर ही इडियट है, हम खा तो खा सकते हैं मीठा। और फिर वेट हो गया इतना बड़ा, फिर घुटने के ऊपर हो गया दर्द, फिर घुटने हो गए घिस। तो भाई वेट पहले से ही संयम में रहता तो घुटने 10-15 साल और चल लेते, लेकिन घिस दिया पहले ही ओवर वेट करके, तो फिर घुटनों का दर्द नहीं होगा तो किसका दर्द होगा, सिर दर्द थोड़ी होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब जीना होता है सही तरीके से, हम प्रभावों में बह जाते हैं, हम एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब मौका आता है, जीवन प्रत्यक्ष दिखाता है कि भाई अब तो जाना है संसार से, तब हम क्या रिग्रेट में जीते हैं कि अरे मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। तो भाग्य को बदलना है तो सही समय सही कर्म करो। आज आपके पास श्वास है, आज आप जान सकते हो, आज आप घर जाके भजन में बैठ सकते हो, कल ये श्वास रहे ना रहे। तो इसलिए महान पुरुष समझाते हैं कि सत्य के महत्व को समझो, आप सत्य का प्रतीक हैं, आप अपने महत्व को समझो, तभी जा करके ये जब हम अपने जीवन को, जीवन के दृष्टांत को बदलते हैं, जब परसेप्शन को बदलते हैं, तब समाज बदलता है हमारे लिए। ये थोड़ी है कि आज हमें ज्ञान हो गया तो कहीं कल आसमान का रंग लाल हो जाएगा, आसमान का रंग नीला ही रहेगा। संसार में अंधकार प्रकाश दोनों चीज रहेंगे, आपको तंग करने वाले भी आप जब आपको उपदेश हो जाएगा तभी भी आएंगे जीवन में, और नहीं भी आएंगे अच्छे लोग भी संसार में। तो संसार का जो ये रंग है ये तो वही रहेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदलने से जो हम संसार में प्रभाव जागृत करते हैं, जो हमारा रिएक्शन है संसार के, यहां रूपांतरण आएगा, और यही चेंज सबसे बड़ा चेंज हो। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग खूब भजन सुमिरन करें, और गुरु महाराज जी भी बहुत थोड़े समय में आने वाले हैं, बल्कि आज इतना मौसम साफ होने के कारण क्या हो गया कि इतनी फ्लाइटें आ गई है कि गुरु महाराज जी भी अभी घूम ही रहे हैं ऊपर। उनकी फ्लाइट तो इंडिया से चल रही है, लेकिन यहाँ प्लेन को लैंड करने का ही मौका नहीं मिल रहा। तो गुरु महाराज जी अभी आपसे बहुत दूर नहीं है, बहुत समीप ही है, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो हमारा यही कहना है कि गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए, दरबार के संस्कारों और परंपराओं का आदर करते हुए हमें अपने जीवन को जीना है। जब हम हंस परिवार के एक सदस्य है तो हंस परिवार में रहने का जो उत्तरदायित्व है उसको भी हमें समझना होता है। और उत्तरदायित्व केवल एक है, आप भजन सुमिरन करो, आप भजन जब भजन सुमिरन करोगे तो जो भी जीवन में परेशानी आने वाली है उसका निवारण आपका ही मन देगा, आपका चैतन्य ही देगा। ये है कॉन्शियस एलिवेटेड लिविंग। ये थोड़ी है कि मैं जानता हूं कल मेरे जीवन में क्या परेशानी आएगी, और अगर मेरे जीवन में क्या परेशानी कल आने वाली है तो मैं आज नेपाल में नहीं बैठूंगा। मैं तो उस परेशानी को टैकल करने का कोई सोल्यूशन निकालूंगा ना। लेकिन आदमी निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के समाज में क्यों जीता है? क्योंकि उसे पता है कि प्रभु परम परमात्मा है, और अगर मेरे जीवन में कोई गड़बड़ होने वाला है, अगर मेरा समर्पण सही है, अगर मेरा प्रेम, मेरी आस्था सही है, तो वो परमपिता परमात्मा, जो परमपिता परमात्मा है वही तो अगर समस्या देने वाला है तो समस्या ठीक करने वाला भी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये समर्पण, ये हाइटेंड कॉन्शियस लिविंग एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है वर्ल्ड का। लेकिन जब तक उस व्यू पॉइंट को हम धारण नहीं करेंगे, वो व्यू पॉइंट हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। तो इसी के लिए भजन सुमिरन करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम।